हेलो फ्रेंड, देखिए आज मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे बना रही हूँ। मैं ये पैकेट वाला बना रही हूँ। उससे पहले चाशनी के लिए रख देते हैं गैस पे, धीरे धीरे चाशनी बनती रहेगी। ये एक कटोरी चीनी है और इसी कटोरी से एक कटोरी पानी में डाल करके गैस पे चाशनी के लिए रख देती हूँ। फिर गुलाब जामुन की तैयारी करते हैं। गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है। देखिए इस पैकेट को काट लेते हैं, खाली में पूरा निकालूंगी। देखिए पूरा निकाल ली इस थाली में। और इसमें ये मिल्क पाउडर है, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच इसे भी डालूंगी। देखिए 2 ही चम्मच मिल्क पाउडर डाली हूँ। इन सब को अच्छे से मिला लेती हूँ। ये दूध है, गुनगुना दूध है, इसी से गूथेंगे थोड़ा थोड़ा डाल करके। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। देखिए पूरा गूथ ली, उसको ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, ऐसे ही रखेंगे इतना ही। और सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका, ज़्यादा टाइट नहीं। और इसका ये गोल गोल ऐसे गोली बना लेंगे, चिकना चिकना, फटना नहीं चाहिए। हो सके तो हाथों में रिफाइन लगा करके बनाइए। देखिए बिल्कुल चिकना चिकना ऐसे ही सारे गोली बना लेंगे। देखिए गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी हूँ, इसमें रिफाइन डाल दूंगी। देखिए इधर चाशनी भी रेडी हो गया है, गैस का फ्लेम बंद कर दे रहे हैं, उधर तेल गर्म हो गया। अब चलते हैं, डालते हैं उसे गुलाब जामुन को, चेक कर लेते हैं कि तेल हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा डाल करके देख लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। देखिए तेल हो गया है, अब इसमें गुलाब जामुन डालते जाएंगे। देखिए ऐसे दोबारा दोबारा ऐसे करके फिर गुलाब जामुन डालते जाएंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। और इसको ऐसे हिलाते रहेंगे, गैस का फ्लेम अब मीडियम कर देंगे। ऐसे हिलाते हुए पकाएंगे। देखिए इसे हिलाते हुए ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। उससे क्या होता है, गुलाब जामुन बिल्कुल फटता नहीं है और सॉफ्ट भी बनता है, इसलिए इसको हिलाते रहिए हल्के हाथों से। फ्लेम बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। देखिए मीडियम फ्लेम पे क्या होता है कि अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा, अच्छे से पक भी जाएगा। देखिए रेडी हो गया है, इसे निकाल लेते हैं।
बाकी के गुलाब जामुन ऐसे ही डाल देंगे बना करके। देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए चाशनी गर्म है, नीचे उतार ली हूँ, इसमें गुलाब जामुन छोड़ देंगे और इसको ढक देंगे। थोड़ी देर बाद निकालेंगे इसे। गुलाब जामुन देख लेते हैं, देखिए कितना अच्छा है, ये खिला खिला हुआ है। देखिए पूरे रस्से में डूब गया है। देखिए ऐसे ही बाकी के सारे रसगुल्ले निकाल लेंगे। देखिए बाकी के ये गुलाब जामुन भी उसी में डाल देंगे रस्से में और फिर ढक देंगे। देखिए कितना अच्छा बना है, एक भी टूटा नहीं है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो, ये रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोगों तक पहुँचता रहे, और शेयर करिए।